हे गुड मॉर्निंग जनता, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच होने वाले पहले वार्म अप मुकाबले की। अब देखो तो है तो ये वार्म अप मैच, पर यार ये मैच जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वार्म अप में जो तैयारी होती है ना उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और उसका असर आने वाले मैचेस में आपको देखने को मिलता है। इसलिए ये वाला जो वीडियो होगा आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बात मैच को सीरियस ना लें, पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस मैच को सीरियस लेना। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी सी बातें बताऊंगा कि भले ही आपने तमाम वीडियो को देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो में जो आप देखोगे और जानकारी प्राप्त करोगे वो बहुत सारी चीजों से आपको अलग देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि ये वाली जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूं वो आज के मैच के लिए आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। तो एक एक बात को बड़ा ध्यान से सुनना और वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। सो आज का जो मुकाबला होने वाला है वो कहां होने वाला है, नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क में जहां पर ये मैच होने वाला है, ये पहला मुकाबला होने वाला है, इससे पहले मुकाबला नहीं हुआ है, इसलिए पिच के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और पिच की आइडिया लेने के लिए आपको करना होगा इंतजार टॉस का और फिर पिच की रिपोर्ट का, इसलिए टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो बड़े काम की। अब देखो मैं क्या क्या बताना चाहता हूं, सीधे मैं पॉइंट पे आता हूं, पॉइंट पे आता हूं और मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। विकेट कीपर सेक्शन में आता हूं मैं, यहां से पंत और सैमसंग को लेता हूं। अच्छा, ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाओ, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ओके। बॉलिंग सेक्शन में आ जाओ, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह, यस। मैं आपको छह प्लेयरों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे छह प्लेयर क्यों मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, इसलिए दिखाया है क्योंकि आपके नज़रिए से हो सकता है कि आज के मैच में आपने जो इंडियन प्लेयर हैं छह के छह प्लेयर, हो सकता है आपने विराट कोहली पर नज़र लगाया होगा, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, इनके ऊपर आपकी नज़र होगी, नो डाउट, बिल्कुल आपकी नज़र जो होगी वो इन्हीं खिलाड़ी पर होगी, रविंद्र जडेजा, और यहाँ से देख लो तो बुमराह है ना, यहाँ से देख लो तो बुमराह, और चलो ठीक है, तो बेसिकली आपकी नज़र इन खिलाड़ियों पर होगी। लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ऋषभ पंत और संजू सैमसन, आपको पता है ये दोनों विकेट कीपर आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिए, खासतौर से सैमसन कहीं ना कहीं थोड़ा सा 20 साबित हुए थे, बट पंत भी अच्छे विकेट कीपर हैं, भरोसेमंद विकेट कीपर हैं। ऐसे में दोनों में से किसी एक को खेलना है तो इनके बीच में जबरदस्त कॉम्पिटिशन होने वाला, ध्यान देना इनके बीच का कॉम्पिटिशन आपको आज के मैच में देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों अंदर ही अंदर मन ही मन चाहेंगे कि आज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हम दें, चाहे बैटिंग हो चाहे कीपिंग हो जो भी हो, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दें कि हमारी जगह क्या हो जाए, पुख्ता हो जाए आने वाले मैच के लिए। अब देखो इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि आज के मैच में विकेट कीपिंग कौन करता है ना, ये भी बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मैं बोलूंगा आज के मैच में इन दोनों विकेट कीपर पर आप नजर रखना, बिल्कुल रखना। उम्मीद तो मुझे ये है कि शायद दोनों के दोनों विकेट कीपर आज बढ़िया पारी खेल सकते हैं, और अगर दोनों नहीं तो कम से कम एक जरूर होगा जो बड़ी पारी खेलेगा। तो इन दोनों के ऊपर नजर रखो, ठीक है, बिल्कुल नजर रखो। और ये देखो लेस परसेंटेज वाले भी मैं आपको दिखा रहा हूं, विकेट कीपर में आओगे लेस परसेंटेज आपको संजू सैमसन मिल जाएगा, और 66% में आपको ये मिल रहा है, तो उतना नहीं बट हाँ संजू सैमसन आपको कम रेट में मिल जा रहा है। हार्दिक पांड्या दिखाना चाहता हूँ, शिवम दुबे, देखो ये दो प्लेयर दिख रहे हैं ना, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, क्यों मैंने किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हार्दिक पांड्या के साथ जो हुआ आईपीएल के अंदर, और उनकी वाइफ भी छोड़ के चली गई, फिर वो जो कैप्टन को बनाया गया तो फिर वो इनको बू किया गया, हालांकि वाइफ छोड़ के गई, ऑफिशियल न्यूज़ है कि नहीं है इसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे, बट इनका बहुत डाउन फेज चल रहा है। और आपने देखा बैटिंग से भी इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब, मुंबई इंडियन के हर एक खिलाड़ियों ने इनका साथ छोड़ दिया, मुंबई इंडियन क्वालिफाई भी नहीं कर पाई प्ले ऑफ के लिए, तो इनका बहुत बुरा हाल है और बैटिंग से भी बहुत फ्लॉप गए, लेकिन गेंदबाजी में इस बंदे ने अच्छा किया। और ध्यान दो जब वर्ल्ड कप का मैच होता है या फिर इंटरनेशनल मैच होता है तो ये एकदम टोटली एक डिफरेंट इंटेंसिटी है, एकदम ये अलग चरित्र हो जाता है, अलग कैरेक्टर हो जाता है। इस बंदे पर नजर रखना, जो आपको गेंदबाजी और बल्लेबाजी में आपको उतना नहीं दिख रहा था, सिर्फ गेंदबाजी में दिख रहा था, बल्लेबाजी में नहीं दिख रहा था, आपको इस वार्म अप मैच में हो सकता है कि बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं हार्दिक पांडे दिखाना चाहता हूं, 49% में आपको मिल रहे हैं, तो आज के समझ में आ रहा है आज के ट्रम्प कार्ड वाइस कैप्टन बन जाते हैं आपके हार्दिक पांड्या। शिवम दुबे मैंने क्यों टिक लगाया समझना, रोहित शर्मा का स्टेटमेंट है कि शिवम दुबे को हमने इसलिए सेलेक्ट किया है कि हम इनको 1 से 2 ओवर फेंकवाएंगे। आपको पता है चेन्नई में खेलते थे, चेन्नई में महेंद्र सिंह धोनी की चलती है, और धोनी के हिसाब से धोनी के पास क्या था, ऑप्शन बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने गेंदबाजी नहीं कराई थी। लेकिन रोहित शर्मा जो है ना, वो यहाँ पे इंडियन टीम के कप्तान है, और उनका मानना है, उनका कहना है कि वो शिवम दुबे का सिलेक्शन इस आधार पे भी किए हैं कि बैटिंग तो अच्छी कर ही रहा है बंदा, स्पिनर को मारता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये गेंदबाजी भी करेगा। तो ऐसे में ध्यान देना, शिवम दुबे यहाँ पे गेंदबाजी कर सकते हैं और तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं शिवम दुबे। ये देखो शिवम दुबे कितना परसेंट है, 13%। मैंने शुरू में क्या बताया, मैं आपको उन खिलाड़ियों को पहले नहीं दिखाऊंगा जिनके ऊपर दुनिया की नजर है, मैं आपको पहले उन खिलाड़ियों को नजर दिखाऊंगा जो छुपे हुए हैं और इनको कोई देख ही नहीं रहा, और सबके सब बता दिया ना, चार का एक्सप्लेन कर दिया ना,
अब इन दोनों का भी एक्सप्लेन करता हूँ, ये भी देख लो। कुलदीप यादव 43%, कुलदीप यादव 43% कम रेट में आपको मिल रहा है, और आपको पता है कि ये जो पहला मैच है, पहला पिच है यहाँ पे, और हो सकता है कि यूएसए की पिच थोड़ी सी स्लो देखने को मिल जाए, क्योंकि पता है वेस्ट इंडीज की तो स्पिन को आपको सपोर्ट करेगी, वो तो नो डाउट है आपको मिलेगा ही, लेकिन यूएसए में जो मैच होने वाला है, न्यूयॉर्क में जो मैच होने वाला है, शायद हो सकता है कि पहला मैच है, हो सकता है स्पिनर के लिए मदद हो जाए, तो ऐसे में कुलदीप यादव को रखना। वर्ल्ड कप के लिए ये बंदा जो होता है ना, ये अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, और ध्यान देना ये तुरुप का इक्का है, ये स्पिनर तुरुप का इक्का है, और हो सकता है इस वर्ल्ड कप में जो टॉप फाइव हाईएस्ट विकेट टेकर हो, मैं आपको पहले बोल देता हूं, हो सकता है टॉप फाइव में कुलदीप यादव का नाम रहे। अब ये आते हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह आपको पता है आईपीएल में शुरुआत में फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन बाद में जाकर के इन्होंने अच्छी पकड़ बना ली थी, और फिर आपने देखा होगा कि जो टॉप सूची थी ना आईपीएल में, उसमें सूची में टॉप फाइव में भी अर्शदीप सिंह थे। और एक बात बताना चाहता हूं कि ये बंदा आपको देखो पहले मिल कितने में रहा है, अर्शदीप सिंह आपको मिल रहा है मात्र 12%। देख रहे हो यार, मैं देख रहा हूँ किन किन शिरोमणियों को पकड़ के दिखा रहा हूँ और उनकी काबिलियत को बता रहा हूँ, चाहे शिवम दुबे हो जाए आपसे, संजू सैमसन हो जाए, कुलदीप यादव हो जाए, या अर्शदीप सिंह हो जाए, ये सारे के सारे छुपे हुए शिरोमणि हैं। और अर्शदीप सिंह आपको पता है जब वर्ल्ड कप आता है, आपको पिछला वर्ल्ड कप 2020 याद होगा, आपने देखा था ना पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था, किसको किसको वो मैच याद है, वो किन किन कौन कौन से विकेट लिए थे, अगर आपको जरा याद होगा तो यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये छह वो खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आपको अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए। अब चलो मैं आपको एक और सूची दिखाता हूँ, लगे रहो मेरे साथ, बने रहो। आपने मुझे पता है तमाम वीडियो को देख लिया होगा, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको बेसिकली वही बातें बताऊंगा जो शायद अभी तक शायद मिस हो गई होंगी, आपको लोगों ने बताया नहीं होगा, ठीक। चलो अब मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ से उठा लो महमदुल्ला, ठीक, महमदुल्ला उठा लो, यहाँ से उठा लो सौम्य सरकार। अब मैं क्यों उठाया समझना, आपका क्या बोलते हैं बांग्लादेश से अगर आप किसी ऑलराउंडर पर आपकी नज़र होगी तो होंगे शाकिब अल हसन, उसके बाद मेहंदी हसन, सबसे ज़्यादा शाकिब अल हसन, फिर मेहंदी हसन आपकी नज़र होगी। और परसेंटेज के हिसाब से भी देख सकते हो, शाकिब अल हसन को 87% लोगों ने और मेहंदी हसन को 31% लोगों ने, लेकिन सौम्य सरकार को देखो बहुत कम। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे महमदुल्ला को देखोगे तो 31%। महमदुल्ला आपको बैटिंग सेक्शन में दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ महमदुल्ला बैट्समैन नहीं है, बल्कि बैट्समैन एज वेल एज ऑलराउंडर भी है। तो ध्यान देना, महमदुल्ला जो है वो राइट हैंडर ऑफ स्पिन फेंकते हैं, और बहुत ही डिसेंट, बहुत ही काबिल होनहार ऑलराउंडर है, स्पिनर बहुत अच्छा है। और आपको पता है इंडिया टीम में लेफ्टी कौन कौन है, जरा चेक कर लो, यहाँ ऋषभ पंत दिखाई दे रही है बैटिंग सेक्शन में आ जाओ, यशस्वी जायसवाल यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया, दिख गया ना आपको, ऑलराउंडर में आ जाओ, रविंद्र जडेजा दिखाई दे रहे हैं, नीचे आ जाओ अक्षर पटेल दिखाई दे रहे हैं, नीचे आ जाओ शिवम दुबे दिखाई दे रहे हैं। ये समझ में आ रही बातें आपको मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के मैच के आपके ये महमदुल्ला जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और आपको देखो मैं छुपी छुपी बातें बता रहा हूँ, ये वो बातें बता रहा हूँ जो आपको दिखी मिली नहीं होंगी। महमदुल्ला आपको मिल रहा है 30% में, देखो वाइस कैप्टन का ट्रंप दावेदार आपका है। आप समझो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है, मुझे पता है दावेदारी किसके तरफ से हो रही होगी, इंडिया की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, लेकिन समझो ये वो दावेदारी है जो 90% जनता उन्हीं को कप्तान वाइस कैप्टन बनाने की सोचेगी। अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है, ये वार्म अप मैच जो है बड़ा बढ़िया मौका है, मेरे साथ लगे रहोगे, मेरी बातों को सुनोगे, और मेरी बातों को सुन करके उस प्लान को बनाओगे, कॉपी पेन पर लिखोगे, कॉपी पे पूरी पेन के साथ उसको लिखोगे, पूरे स्क्रिप्ट को पूरी तैयारी करोगे, इस वर्ल्ड कप में आप देखना अच्छा पैसा उड़ाओगे, पक्का है कि हजारों रुपए लाखों रुपए आप उड़ाओगे। बस मेरी बातों को, सीखी बातों को, एक एक वीडियो को देखो और सीखते चलो जो बातें बता रहा हूं। महमदुल्ला, और दूसरा यहां से कौन हो गया, सौम्य सरकार। सौम्य सरकार आपको पता होगा इंडिया के खिलाफ इसका जो रिकॉर्ड रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, अच्छा खेलता है। और एक और प्लेयर मैं नाम बताना चाहता हूँ, लिप्टन दास। लिप्टन दास भी मतलब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो जाता है, और बस यही दिक्कत है कि मुझे बुमराह से लगता है कि बुमराह इनको उड़ा ले जाएंगे, वरना लिप्टन दास एक अच्छे प्लेयर, डिसेंट प्लेयर है। अगर तीन मैच होता है ना, तीन मैच में से एक मैच जरूर होता है जो इंडिया के खिलाफ ही अच्छा खेलता है। और एक और ऑलराउंडर जो पूरे लास्ट तीन चार मुकाबले में कुछ खास फॉर्म में नहीं रहता है, वो है शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन जब इंडिया के खिलाफ मैच होता है तो एक डिफरेंट एंटिटी बन जाते हैं, एक डिफरेंट कैरेक्टर बन जाते हैं, चरित्र बन जाते हैं। तो शाकिब अल हसन एक अच्छे रोल मॉडल है बांग्लादेश के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, ऑलराउंडर्स के लिए। और यस, शाकिब अल हसन इस मैच के लिए इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेलते आते हैं, तो नज़र आपको इनके बना के रखनी चाहिए। अब दो बल्लेबाजों को और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो एन हुसैन शांटो और ये टी हिरिदोय, ये दो बल्लेबाज हैं, इन दोनों बल्लेबाजों पर नजर रखना। एक मिल रहा है 36% पे, एक मिल रहा है 12% पे। हिरदोय आते हैं तीसरे नंबर पे, सॉरी शांटो आते हैं तीसरे नंबर पे, हिरदोय आते हैं चौथे नंबर पे, यानी ये ऊपर खेलते हैं। और ये दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से एक प्लेयर आपको जरूर डीम टीम का हिस्सा दिखेगा। तो मेन मेन बातें मैं बताते चल रहा हूँ, ज्यादा बात रबड़ मैं नहीं करूंगा, खींचूंगा नहीं, मेन मेन बातें बताते चल रहा हूँ, ठीक है। यस, एक और खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल पर नजर रखना। अगर यशस्वी जायसवाल का समझो ओपनिंग इसने अच्छा दे दी, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जैसे दे रहे थे, अगर ये अभिषेक शर्मा वाला ये इनिंग दोहराता है यशस्वी जायसवाल,
तो समझ जो इंडिया के झोली में वर्ल्ड कप है। देखो विराट कोहली तो चलेगा ही चलेगा, आपको पता है, बुमराह चलेगा ही चलेगा, आपको पता है, रोहित शर्मा भी वर्ल्ड कप में भैया वो दूसरे हैं, उनको आईपीएल के आधार पर उनको मत आंकना, ये वर्ल्ड कप चालू हुए तो देखो रोहित शर्मा कैसे मारता है, यही रोहित शर्मा आपको लगेगा कि यार ये तो आईपीएल वाला है ही नहीं, तो दूसरा रोहित शर्मा, ये तुरंत एकदम देखना पूरी तरीके से बदल जाएंगे। लेकिन मैन मेरी नज़र जो है यशस्वी जायसवाल पे है, अगर ये चलता है बंदा तो पारी की शुरुआत बहुत तेज देगा, इसका चलना ज़्यादा जरूरी है। विराट कोहली शर्मा जी तो चलते हैं यार, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट किसका है, यशस्वी जायसवाल। और आपको भी पता होगा कि ये जब चलते हैं ना तो ये शतक मारते हैं, आपने देखा है ना शतक मारते हैं, तो पहला मुकाबला है एक शतक की उम्मीद करो, और आज के पहले ही मुकाबले में शतक की उम्मीद करो, अगर बल्लेबाजी की पिच आ जाएगी तो मैं आपको बोलता हूँ कि आज यशस्वी जायसवाल 70 रन से बड़ी की पारी खेल सकता है, 70 रन से बड़ी की पारी आज ये खेल सकता है। फ्लॉप होने की सूची में कौन कौन है देख लो, मुझे लगता है शकीब अल हसन 50-50 लेके चल रहा हूँ, फ्लॉप भी जा सकते हैं, बड़े परसेंटेज वाले प्लेयर हैं, मैं रिस्क लेकर के इनके पास जाऊँगा, बिल्कुल रिस्क लेके चलूँगा, और मैं दिखा रहा हूँ रिस्क। अब मैं आपको रिस्क की सूची दे दूँ, रिस्क कौन कौन है, मुस्तफिजुर रहमान मुझे लगते हैं रिस्की, तस्किन अहमद मुझे लगते हैं सेफ, हालांकि आपको उल्टा लगेगा, मुस्तफिजुर रहमान 6 विकेट लेके आ रहे हैं, तस्किन अहमद भी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए तस्किन अहमद इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है, मुस्तफिजुर भी अच्छा करता है, लेकिन देखना मुस्तफिजुर को इंडिया संभाल के खेलेगा, इनको हो सकता है ठोकैये भी हो जाए, और तस्किन अहमद हो सकता है विकेट यहाँ पे निकाल के चल जाए। बिल्कुल एस इस्लाम ये वो गेंदबाज है जो होता है ना डार्क हॉर्स, ये डार्क हॉर्स है, मतलब ऐसा एक घोड़ा जो मतलब दाव लोग उस पर लगा नहीं रहे, लेकिन ये डार्क हॉर्स है, मतलब समझ लो दाव लोग नहीं लगा रहे, देखो मात्र 9% लगा रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक है भैया, ये होता है ना झटका प्लेयर, होता है ना डिफरेंशियल प्लेयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो फर डाल दे, ये वो डिफरेंशियल प्लेयर है एस इस्लाम। मैं बेसिक नॉलेज देते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, और बाकी चीज़ें जो बचेंगी ना टेलीग्राम में कवर कर देंगे, टेंशन ना लियो आप लोग, बहुत मजा आने वाला है टेलीग्राम पे, मैं बहुत मजेदार से आपको शाम में जब लाइव आऊंगा इतनी सारी बातें होंगी। अभी जस्ट आज ही मैं नोएडा लखनऊ से टूर मार करके मैं आ जा रहा हूँ, क्योंकि पता है मेरे छोटे भाई बहन वहाँ रहते हैं, तबीयत सही नहीं थी, बहुत लो फील कर रहे थे, अकेला फील कर रहे थे, बड़े भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं इन लोगों को वक्त दूँ, तो मैं इन लोगों को वक्त दिया हूँ, आज ही सुबह आया हूँ, तो मैं आते ही जस्ट आधे घंटे बाद चाय पी कर मैं शूट कर रहा हूँ, शाम को टेलीग्राम पे प्लीज़ आप लोग आ जाना, मैं लाइव आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा। अब एक बात समझो, आपने ये बात तो समझ लिया कि कौन कौन से खिलाड़ी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन सारी बातों को समझने के बावजूद मसला ये फंस जाता है कि सर कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाएं। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ भी होता है, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्रंप भी होता है, और कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की भी होता है। अब आपको जोड़ा कैसे बनाना है, जो मेरी वीडियो को रेगुलर देखता होगा वो जानता होगा कि मैंने हर एक वीडियो में यार बहुत कुछ बताया, लोग यहाँ पे लोग मैंने देखा है अलग अलग वीडियो स्पेशल वीडियो बना करके चलाते हैं, मैं अलग अलग नहीं बताता, मैं एक ही में वो सारी बातों को जो अलग अलग करके बताते हैं वो लाखों में व्यूज आते हैं, उन सारी बातों को मैं एक ही में कंबाइन करके बता देता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वीडियो से बने रहो, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले सेफ ऑप्शन, ओके, अगर ऋषभ पंत करते हैं विकेट कीपिंग तो सेफ ऑप्शन, विराट कोहली का अभी कोई अपडेट आया नहीं है, आएंगे कि नहीं आएंगे ठीक है, कोई अपडेट नहीं है इनका, देखो अभी इनका आते हैं कि नहीं आते, अगर वापस आ जाते हैं तो आप इनका ऑप्शन आपका क्या है अच्छा है, देखो फॉर्म में फॉर्म को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दे रहा हूँ ऑप्शन, ओके, फॉर्म को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि कौन कौन सा ऑप्शन आपका अच्छा है। शिवम दुबे को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी क्या हो गया ना कुछ मैच से गड़बड़ चल रहा है, तो ये हो गए आपके पहले सेफ, ये आपके 6 कैप्टन वाइस कैप्टन जो है वो सेफ है फॉर्म को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। फॉर्म को कौन, ये आईपीएल का फॉर्म तो आप बोलोगे तो आप नाराज होने वाले हो कि मैं आईपीएल का नहीं, आईपीएल के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड कप का फॉर्म भैया, अगर आपने 2023 का वर्ल्ड कप देखा हो, 2019 का वर्ल्ड कप देखा हो, तो मैं उस आधार पर बोल रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव आईपीएल का फॉर्म और मतलब ठीक ही था, एक बार शतक भी मारे थे आपको पता है, ऋषभ पंत कंसिस्टेंट थे, शकीब अल हसन ये वर्ल्ड कप वाले प्लेयर है, देखो ये दोनों वर्ल्ड कप के प्लेयर हैं, ये तीनों वर्ल्ड कप के प्लेयर हैं ये तीनों, और ये जो है ना फॉर्म को ध्यान रखते हुए, ये फॉर्म को ध्यान रखते हुए और ये तीनों वर्ल्ड कप को ध्यान रखते हुए, तो ये हैं सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन, आपको तीन दावेदारी दिख गई ना। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रंप वाले, देख लो ट्रंप वाले तो बताया है ना यार, अभी जस्ट तो मैंने ट्रंप बताया है, देखो ना ये सीरीज संजू सैमसन को रख लो, ठीक है, सैमसन को यहाँ से उठाओ, महमदुल्ला को यहाँ से उठाओ, जायसवाल को यहाँ से उठाओ, देखो चीज़ें मैं कितनी कितनी बता रहा हूँ, पांड्या को उठाओ यहाँ से, सौम्य सरकार को उठाओ, नहीं इसको दुबे को उठाओ यहाँ से, दुबे को, और यहाँ से उठा लो आप, आवेश खेलता है या अर्शदीप खेलता है, दोनों में से एक को उठा सकते हो, किसको उठाए हम, एक गेंदबाज यार रुक जाओ मैं बताता हूँ कौन सा उठाने लायक है, कुलदीप यादव भी उठा सकते हो, लेकिन अगर परिस्थिति गेंदबाजों की मदद हो गई, पेसर्स की ज़्यादा मदद हो गई, तो ऐसे में मैं आज के मैच के लिए
अर्शदीप को उठा लूंगा या आवेश खान, दोनों में से एक। अगर स्पिनर को मदद हो गई तो कुलदीप यादव, ठीक है। तो मैं आपको कुलदीप यादव भी सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, और जो पिच जैसी होगी उसके हिसाब से, ठीक है। ये सात प्लेयर ट्रंप है आपके, ट्रंप कैप्टन वाइस कैप्टन है, देख लो ट्रंप कैप्टन वाइस कैप्टन, ये आपके प्लेयर है कैप्टन वाइस कैप्टन ट्रंप का, मैंने बताया, समझ में आया। अब देख लो मैं आपको रिस्क ही बता देता हूँ, बता देता हूँ, रुक जाना हृदय, ठीक है, लगे रहो, बहुत मजा आएगा वीडियो में, देखो चीजें कितना बता रहा हूँ, सौम्य सरकार, हाँ यस 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 यस, चहल अगर खेलते हैं तो चहल, या चहल तो बॉलिंग करेंगे, गेंदबाजी तो सभी करेंगे, लपकाता है लड़का, लपकाता है, इस्लाम भी हो सकता है। चलो ये दिख रहा है सात प्लेयर कौन कौन से, देख लो, एक दो महमूदुल्ला तो सेफ हो गया ना, सॉरी महमूदुल्ला तो ट्रम्प हो गया ना, हटा देते हैं यहाँ से। ये देखो हृदय, सौम्य सरकार, दुबे, चहल, इस्लाम और अरजीत सिंह, ये सब परसेंटेज लो है, बहुत लो परसेंटेज है, और ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन। अब आपको करना क्या है, जोड़ा एक कैप्टन के साथ, एक सेफ कैप्टन के साथ एक ट्रंप को आप लगा सकते हो, एक सेफ कैप्टन के साथ आप क्या कर सकते हो, रिस्की में से, ये रिस्की जो दिख रहा है इसमें का एक जोड़ा लगा सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन का, या फिर दोनों आप ट्रंप कार्ड में से बना सकते हो, या फिर अगर रिस्क नहीं लेना चाहते दोनों सेफ वाले में से पकड़ लेना, या फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो एक ट्रंप कार्ड वाला और एक रिस्की वाले में से कैप्टन वाइस कैप्टन का जोड़ा बना लेना। तो मैं आपको पूरा जोड़ा मैंने आपको बता दिया, ट्रंप कार्ड बता दिया, एक एक चीजों को बता दिया, इंडिया का कौन सा खिलाड़ी चटक जाएगा, कौन सा खिलाड़ी फेल हो जाएगा, बांग्लादेश का खिलाड़ी कौन सा नजर रखना चाहिए, एक एक चीजें मैंने बता दिया ना। शाम को तैयार रहना, एकदम कॉपी पेन लेकर के तैयार रहना, टीम को बताऊंगा टीम कैसे, और ऐसी चीजें बताऊंगा जिसमें गुड़ागड़ित का खेल होगा, समझना मेरी बात, परसेंटेज का गेम, गुड़ागड़ित का जो गेम है वो बड़ा खतरनाक गेम है, बहुत खतरनाक गेम है। एक खिलाड़ी आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है, एक खिलाड़ी आपको ग्रैंड लीग के अंदर जिता सकता है, यकीन मानो जिता देगा। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाकर के देखना, मैंने वहां पे डाला हुआ है कि किस तरीके से एक खिलाड़ी आपकी तकदीर को पलट सकता है। इसलिए परसेंटेज का जो गेम है उसको खेल समझना बहुत जरूरी है, खेलने से पहले तो मैं समझाऊंगा क्या है और टीम की फॉर्मेशन कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। मुझे पता है कि पूरी जनता 7-4 सोच रही है, इंडिया 7-4-8-3 सोच रही है जनता, मेरे यहाँ पे भाई बैठे हैं सब, उन सबसे मैं पूछ रहा हूँ तो सिर हिला रहे, कह रहे हाँ हमने भी सोचा है 8-3 इंडिया रखेंगे या फिर 7-4 इंडिया रखेंगे, लेकिन मैं इसमें ट्विस्ट लेकर के आऊंगा, शाम को बताऊंगा क्या ट्विस्ट है, बने रहना, ठीक है। चलो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहना, लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी होता है यार, मुझे मोटिवेशन हिम्मत मिलती है, प्लीज लाइक करो। वीडियो अभी तक कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, और आपके जो भी सवाल होंगे यहीं पे दाग दो, ताकि आपके सवालों को देख के मैं तैयारी करके शाम में अपने हथियार को मैं लेकर के आऊं, अच्छे से मैं आपको तैयारी करके पूरा मैं समझाऊं। तो अभी क्वेश्चन को यहीं पे दाग दो, वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड यस टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं लाइव आऊंगा, अगर जुड़ोगे नहीं तो लाइव कैसे आप ज्वाइन कर पाओगे। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम तक हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग से वहां पे जुड़ते हैं, आप भी जुड़ जाना, प्यार सपोर्ट बनाए रहना, अपना ख्याल रखना और अपने से जाना, अपने माता पिता अपने परिवारों का ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।